हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 9th दिसंबर 2022 के लिए। चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सिस बैंक में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में हमें 2.70% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला। क्लोजिंग यहाँ पे 939.35 पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं डेज रेंज का जो हाई था वो था 943.95 का। तो 52 रेंज का हाई भी जो था वो था 943.95 का। इसका मतलब स्टॉक ने अपना आज के दिन न्यू 52 हाई भी जो है यहाँ पे बनाया। बहुत ही बढ़िया अच्छा जो है परफॉर्मेंस दे रहा है एक्सिस बैंक बहुत ही दिनों से और यहाँ पे अच्छा मूवमेंट जो हमें आज के दिन भी जो है देखने मिला है। यहाँ पे क्या आने वाले दिनों में ऐसे जो मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से ज्यादा हमें वॉल्यूम जो देखने मिला है कैंडल एक मीडियम साइज के बने ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में बारीक बारीक हमें विक्स भी देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ RSI की 77-78 मतलब ओवरबॉट एरिया में करंटली हमारा RSI जो चल रहा है जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मूवमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर है पॉजिटिव मूवमेंट का, नेगेटिव साइड का। यहाँ पे स्टॉक में चांसेस है कि 950-960 के आसपास जाते हुए देखने मिले, फिर वहां से रिवर्स हमें स्टॉक जो है गिरते हुए हमें देखने मिला। गिरते हुए स्टॉक जो है यहाँ पे 930 के आसपास सबसे पहले गिरेगा और उसको भी क्रॉस करते गया तो स्टॉक में मूवमेंट जो है वो 910-920 के रेंज में जाते हुए देखने मिल सकता है। तो थोड़ा सा स्टॉक में जरूर कॉशियसली काम करें। अपसाइड मूव के बाद एक डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने मिल सकते हैं, मतलब स्टॉक जो और अपना जो 52 हाई जो क्रॉस कर सकता है फिर वहां से जो एक रिवर्सल दे सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी स्टॉक में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में हमें जितना हो सके उतना जो है इंट्राडे में बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए क्योंकि वहीं पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो हमारे फेवर में होगा वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स है वो भी आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है तो 895 के आसपास स्टॉक है जरूर आप वहाँ पे बाइंग करें। 5-10% का वहाँ से आपको इजिली अपसाइड मूव जो है देखने मिल जाएगा। बाकी अगर यहाँ पे 895 के आसपास नहीं लेना है तो स्टॉक में दूसरा जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए लेवल से वो है 855-860 के आसपास। 855-860 के आसपास जो स्टॉक आए वहाँ पे आप जरूर बाइंग कर सकते हैं। ये भी शॉर्ट टर्म के लिए 5-10% का जो आपको 10-15 ट्रेडिंग डेज में जो मूवमेंट देते हुए देखने मिल जाएगा स्लो मूवमेंट हुआ तो। लेकिन अगर फास्ट मूवमेंट है तो 5 डेज के अंदर भी जो आते हुए देखने मिल सकता है, तो जरूर जब इस चीज़ को ध्यान रखें। बाकी यहाँ पे मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी बता दूँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है तो करंट प्राइस में आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पे 800 के आसपास स्टॉक कभी भी जो है यहाँ पे आए या फिर 800 के नीचे जाए तो वहाँ पे आप जरूर जो बाइंग कर सकते हैं। दो लेवल्स आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, 800 के नीचे है तो आप बाइंग करें या फिर यहाँ पे जो है 710 के आसपास जो आए स्टॉक तो वहाँ पे आप जो है जरूर बाइंग कर सकते हैं। ये दो लेवल जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छे हैं, ये तुरंत नहीं आएंगे, यहाँ पे आपको एटलीस्ट यहाँ पे 3-4 मंथ से ज़्यादा जो आपका वक्त लगेगा स्टॉक को जो यहाँ पे कंसोलिडेट होने में नीचे साइड में आने में। लेकिन मैं यहाँ पे आपको जरूर रिकमेंड करूँगा कि आप इन नंबर्स का जो जरूर वेट कर सकते हैं अगर यहाँ पे आप करना चाहते हैं तो। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी क्या जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम की तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 डे के चार्ट में हमने बात कर ली है। 1 आवर के चार्ट में फिलहाल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो यहाँ पे थोड़ी सी
मार्किंग जो हम करके रख देते हैं, तो यहाँ पे जो भी हमें नया डेटा बनते हुए देखने मिला उसी को हम मार्क कर रहे हैं। ऊपर के साइड में हमारे पास कोई डेटा नहीं है क्योंकि स्टॉक ने अपना न्यू 52 का, या फिर मैं कहूँ तो ऑल टाइम हाई जो यहाँ पे अभी रिसेंटली जो है लगाया है, तो यहाँ पे मैं जरूर 10-10 पॉइंट्स का जो हमारा एक साइकोलॉजिकल नंबर के बेसिस पे जो मार्किंग्स करके रख देता हूँ। हम जरूर जो इन मार्किंग्स को जो है यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे ये भी जो हमारी मार्किंग्स हो चुकी है, बात मैं करता हूँ सीधा इसके क्लोजिंग के, थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि यहाँ पे हमें कल के लिए जो इम्पोर्टेंट दो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस क्या है वो हमें क्लियरली देखने मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा 940 के आसपास यहाँ पे हमारी आज के दिन क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है हमारा 938.35 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 944.10 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कन्फर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्रा डे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्रा डे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट का अगला सपोर्ट आता है 931.70 का, उसके बाद क्या आता है 925.60 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 950.45 का, जो हमारे यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर, तो 950 को हम यहाँ पे एज ए साइकोलॉजिकल मांगेंगे और ऊपर के साइड में 960 का जो यहाँ पे ये भी हमारा साइकोलॉजिकल नंबर है। तो ये दो साइकोलॉजिकल नंबर और नीचे के साइड में जो सपोर्ट जोन है उसको आप जरूर कंसीडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर एक पॉजिटिव यहाँ पे जो है गैप अप का है, मतलब गैप अप ओपनिंग हमें जरूर देखने मिलेगी। कहाँ पे देखने मिलेगी उससे हमें जरूर जो है देखना है, 944.10 के ऊपर देखने मिलेगी तो स्टॉक और ऊपर जाके फिर यहाँ पे गिरेगा। लेकिन ओवरऑल कल के दिन यहाँ पे मैं जो है जरूर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक डाउनसाइड का। यहाँ पे स्टॉक 931 से लेकर 938 के रेंज में क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन मेरी जरूर है, लेकिन यहाँ पे किस तरह की गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग होती है उसे हमें जरूर देखना है, और कितनी गैप अप अगर हो रही है तो कितनी गैप अप हो रही है वो भी हमें जरूर देखना है। ओवरऑल कल के दिन नेगेटिव क्लोजिंग है हमारी एक्सपेक्टेशन है। आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।